हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से बताने वाला हूं इस वीडियो के द्वारा। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि एलसीएम को हम चार मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो भी मेरे फ्रेंड्स हो, जो मेरे वीडियो पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो, तो प्लीज मेरे चैनल पे जाकर के देख ले और उस वीडियो को समझ ले, जिससे आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर इसमें भी आप इस वीडियो को देखने में भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ में। हम लोग का पार्ट वन चल रहा है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। इसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। देखिए, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर्स बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में अंशों का लॉस, जिसको हम लोग उत्तम समाप्रवर्तक कहते हैं। दोस्त समझ में आ रहा है ना, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स को हरों का लॉस कहते हैं। यहां तक कोई डाउट मेरे फ्रेंड्स? जो भी हिंदी में जानकारी देना चाहते हो हिंदी में जान सकते हैं, और जो इंग्लिश में लेना हो इंग्लिश में ले सकता है, जिससे हमको किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। इसको हम लोग हरों का अंशों का मॉस, जिसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं, और इसको हरों का लॉस। यहां तक कोई आपको डाउट नहीं होगा, ये मैं समझ रहा हूं, यहां तक आपका पॉइंट क्लियर है। चलिए हम लोग, हमारे पास दो टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप है फाइंड एलसीएम ऑफ 2/4, 6/8 एंड 12/16, ठीक है, मतलब 2/4, 6/8 और 12/16 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ 3/10, 6/20 एंड 9/30, जिसको हम हिंदी में 3/10, 6/20 और 9/30 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ये हमारे पास दो फॉर्मूला है, इसी के यूजिंग से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? एलसीएम ऑफ नोमिनेटर्स, सॉरी, एलसीएम ऑफ नोमिनेटर्स। इसको निकालने के लिए हमें ऊपर का जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, बट जो बाई के ऊपर जो भी नंबर होता है उसको हम नॉमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाले जितने भी डिजिट होंगे उसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे फ्रेंड्स? ये एलसीएम। ओके, तो चलिए हम यहां पे छोटा सा एक एलसीएम निकाल लेते हैं कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पे हम, हमारा 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 3 6 और 2 6 12, अब यहां से हमारा जाएगा 3 से, 3 1 3, 3 2 6। अब इसका प्रोडक्ट कर लेंगे, जो प्रोडक्ट करने पे जो वैल्यू मिलता है वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 2 × 3 × 2, 2 3 6, 6 2 12, ये हमारा क्या है दोस्त, यहां पे हमें एलसीएम मिल गया। क्या मिल गया मेरे दोस्त? एलसीएम, एलसीएम हमें 12 मिला। अब यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, देखिए, तो बाई के नीचे जो भी होता है, मैंने आपको अभी बताया है कि बाई के नीचे जो भी डिजिट होता है उसको हम डिनोमिनेटर मानते हैं। तो यहां पे हम एच सी एफ ऑफ 4, 8 एंड 16, ओके,
तो हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम लोग निकालेंगे, जिससे हमें आसानी होगी निकालने में, क्योंकि बहुत ही ये सिंपल सा मेथड होता है जिसके द्वारा हम एचसीएफ बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो 4 को हम तोड़ते हैं कॉमन फैक्टर में, तो 2 × 2, 2 × 4 आप जानते हैं, और इसको तोड़ेगा तो 2 × 4, 2 × 8, 2 × 4, 4 × 8, यहां तक क्लियर है। 16 है तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, तो हमें तीनों में एक 2 मिल रहा है यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे 2 मिल रहा है, और कोई हमें तीनों में नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा HCF जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4। यहाँ पे हमारा HCF जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए हम यहां से अब कैलकुलेशन करेंगे, हमें HCF भी मिल गया, LCM भी मिल गया, और HCF जो कि LCM ऑफ नॉमिनेटर मिल चुका है और HCF ऑफ डिनोमिनेटर मिल चुका है। अब यहां से हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे चलेंगे। नाउ LCM ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू LCM ऑफ नॉमिनेटर, तो LCM ऑफ नॉमिनेटर कितना है फ्रेंड्स, 12, और HCF ऑफ डिनोमिनेटर मेरा कितना है, 4। तो अब इससे हम क्या कर देंगे दोस्त, कटा देंगे, तो ये हमारा 4 का टेबल जब 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमें ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, 3, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि इसी को हम कहते हैं LCM ऑफ फ्रैक्शन को कैलकुलेट कैसे हम करते हैं, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड HCF ऑफ 3/10, 6/20 and 9/30, जिसको मैंने आपको कुछ देर पहले समझा चुका हूँ पढ़ के हिंदी में भी, और अब यहां से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जिस टाइप से इस क्वेश्चन को डील किया है, इसी टाइप से इसको भी करना है, बस इसका फॉर्मूला चेंज रहेगा। तो देखिए इसमें कह रहा है HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू HCF ऑफ नॉमिनेटर्स, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू, सॉरी, HCF ऑफ नॉमिनेटर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था फ्रेंड, कोई डाउट नहीं है, डाउट को क्लियर। इसमें देखिए ऊपर वाले जो होते हैं उसको नॉमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे हम क्या निकालने वाले हैं, HCF ऑफ नॉमिनेटर, तो HCF ऑफ किसका निकालना है, नॉमिनेटर, 3, 6, 9, 3, 6 and 9। तो हम भी यहाँ पे वही मेथड यूज करेंगे हमने जो आपको बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा दोस्त, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 3 का को हम क्या लिख सकते हैं, 3 या 1 × 3, सिंपल सा, अगर आपको डाउट होता है तो इसको आप 1 × 3 भी लिख सकते हैं कि अकेले न रहे, ओके, इसको आप 1 × 2 × 3 लिख सकते हैं, इसको 1 × 3 × 3, जिससे देखते हम इसको मल्टीप्लाई करके भी दिखा देते हैं, 3 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, सब कुछ सेम ही इक्वल मिल रहा है हमें। अब देखिए इसमें हमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है एंड 3, क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, 3। तो यहां पे हम जब HCF निकालते हैं तो 1 × 3 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ओनली 3, ओके फ्रेंड्स। तो हमारा जो HCF होगा 3, 6 and 9 का वो कितना होगा, 3। अब यहां से हम लोग LCM ऑफ डिनोमिनेटर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, LCM ऑफ डिनोमिनेटर। LCM ऑफ डिनोमिनेटर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो LCM ऑफ डिनोमिनेटर यही है हमारा डिनोमिनेटर, तो LCM ऑफ 10, 20 एंड 30, ओके। तो यहां से हम लोग सिंपल डिवीजन मेथड से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो चलिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही कैलकुलेट करते हैं, ओके।
इसको हम लोग तोड़ देंगे, 2 5 10, 2 2 4, 4 5 20, 2 2 3 6, 6 5 30, ये हमने तोड़ दिया है। और इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे, क्योंकि इसके बारे में आपको हमने बता दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। हम यहाँ पे डायरेक्टली देखते हैं कि कॉमन फैक्टर हमें कहा क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमें एक बार 2 मिलता है और एक बार 5, और कोई इसमें हमें नहीं मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन एक कंडीशन है एलसीएम निकालते समय कि हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो सिर्फ कॉमन फैक्टर को ही लेते हैं, लेकिन एलसीएम निकालते समय जो भी कॉमन फैक्टर के बाद भी जो भी रिमाइंडर में, जैसे हमें 2 और 3 दिखाई पड़ रहा है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, साथ में इसका प्रोडक्ट कर देते हैं। यानी हम एलसीएम जब निकालते हैं तो इसको साथ में क्या कर लेते हैं, हम ले लेते हैं। तो अब इसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो 2 5 10, 10 2 20, 20 3 60, और यहां पे हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 60 होगा। अब यहां से हम लोग, हमें क्या मिल चुका है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 3 और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर इज 60। अब इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूला के लिए चल के क्या कर देंगे, बैठाएंगे। तो HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू, देखिए ये हमारा फॉर्मूला HCF ऑफ नॉमिनेटर्स। तो HCF ऑफ नॉमिनेटर्स तो हमें कितना मिला है, 3 बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स इज 60। तो यहां से देखिए तो 3 1 3 3 20, और ये हो जाएगा हमारा 1/20, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर। अच्छा लगा, ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन और हमने सॉल्व कर दिया। और इस तरह से हम लोग एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। समझ आ रही है ना मेरी बात, और हालांकि मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से वीडियो के द्वारा सारा क्वेश्चन और जो भी मैंने फॉर्मूला बताया बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और अगर दोस्त आपको ये जो भी मैंने बताया है एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 1 वीडियो, जो भी इसमें आपको समझ में आया हो, वो दोस्त प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए मेरे दोस्त, कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं और आपको ऐसे ही नॉलेज देता रहूं। मेरा चैनल नाम है, मेरे चैनल का नाम है NEC नेशनल एजुकेशनल सेंटर। इस पे जाकर के जो दोस्त नए हो मेरे वीडियो को देख रहे हो तो उस पर जाकर के मेरे पहले वीडियो को देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। और मैं अगले वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ में ही अगले वीडियो को लाने वाला हूँ, जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ के बारे में बताने वाला हूँ। तो जरूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को देखना न भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फिर कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर मेरा नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।